चलिए जी सामकम जी स्टूडेंट्स होप सो आप सब ठीक होंगे आई एम योर फैसिलिटेटर फॉर दिस न्यू सब्जेक्ट विच इज़ टैक्सेशन एसी का ये एग्जाम है ठीक है स्किल्स लेवल में आपका सेकेंड एग्जाम आता है एफ फाइव के बाद आपका एफ सिक्स आता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफ सिक्स भी कहते हैं कुछ लोग इसको टी एक्स कहते हैं टैक्सेशन टी एक्स बेसिकली के वेरियंट है इसके अंदर बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं ठीक है और इन शाह जी हम इसको आज से स्टार्ट करें हैं आज इसका ओरिएंटेशन सेशन है और आज एक डेमो सेशन हम लोग रखेंगे जिसके अंदर सारी जो बेसिक चीजें हैं इसकी वो हम लोग इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे फ्रॉम द पेपर पैटर्न अप टिल जो जो, जो मैं आपको गाइड करूंगा तो फर्स्ट एरिया की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अलोंग विद सम प्रैक्टिस अलोंग विद सम क्वेश्चंस हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे ठीक है अच्छा अब पेपर पैटर्न गाइड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही वर्बुल बताते हुए ये चीज यहाँ पे नोट नहीं हुई लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ जो इस कोर्स के अंदर फीचर्स होंगे सबसे पहले तो ये बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है इसमें एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज तो होगी होगी इसके साथ प्रैक्टिस पास पेपर प्रैक्टिस हम शुरू से जारी रखेंगे फर्स्ट टॉपिक से आखिरी टॉपिक तक इनशाला हम लोग पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे ए टू जी हमारी पास पेपर प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन होंगे कोर्स कवरेज एक्सटेंसिव होगी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ अभी इसकी स्टडी टेक्स पे मैं आपको थोड़ी देर में चेक करवा दूंगा स्टडी टेक्स इसकी बहुत लंबी है इट इज बिलीव मी और नॉट थाउजेंड पेजेस प्लस है ठीक है मेरे ख्याल एक हज़ार सत्तर पेजेज हैं इसमें लेकिन स्टडी टेक्स्ट पे मैं कम से कम जाऊंगा हम लोग अपने नोट्स फॉलो करेंगे जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे एरियाज के मैंने अच्छे खासे यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं समराइज करके इनको हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे और इन्हीं से ही हम लोग इनशाला प्रैक्टिस करेंगे बाकी अगर आप लोगों को कोई इशू आता है आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होगा मेरा नंबर अवेलेबल होगा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या फिर किसी स्टूडेंट को कम्युनिकेट करके बता सकते हैं हम इनशाला आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे ठीक है तो इसके जो एरियाज हैं थोड़े से ज्यादा हैं मैं ये बता रहा था कि सिलेबस इस इसका थोड़ा सा लेंथ ही है थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट ज्यादा देखना पड़ेगा और इसमें आपको साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे साथ के साथ करनी पड़ेगी और इसमें नॉर्मली फाउंडेशन लेवल से थोड़ा सा अलग माइंड सेट है फाउंडेशन में सिंपल ऐसे होता था कि जैसे एफ ए वन एम ए वन एफ ए टू एम ए टू तक फिफ्टी एम सी के होते थे आपने पेपर देना है और दो तो घंटे का पता भी नहीं चलना और वो गुजर के आ जाने आपके सामने ही रिजल्ट आ जाएगा इसमें रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो है लेकिन इसके अंदर जो रिजल्ट है वो नॉर्मली सेशन बेस्ड एग्जाम इसके होते हैं येस ये भी मैं बताना भूल गया जिन लोगों को पता है उनको तो अच्छा है लेकिन जो फाउंडेशन बैकग्राउंड से आए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इसके सेशन बेस्ड एग्ज़ाम है सेशन बेस्ड एग्जाम का मतलब है कि इसकी आप बुकिंग भी ऑनलाइन करवाते हैं और आपको जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपका होता है उसमें प्रॉपर आपका एग्ज़ाम होगा और इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है यहाँ पे लिखी भी हुई है दैट इज़ अराउंड थ्री आवर्स ठीक है हाँ थ्री आयर्स फिफ्टीन मिनट से नीचे है इसमें मैं थोड़ी देर पर बात करता हूँ ठीक है चले विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखें अभी तक जो जो स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे से पढ़े हैं मैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हुए हैं एफ ए वन टीच करता हूँ टू भी टीच करता हूँ एफ थ्री भी टीच करता हूँ एफ सेवन जो है वो साथ में दूसरे ट्यूटर टीच करते हैं अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक हमने जो टैक्स पढ़ा है वो एक ही तरह का टैक्स है दैट इज सेल्स टैक्स अगर आप लोगों को याद है मैंने तीनों पेपर्स के अंदर ये सिलेबस में टॉपिक जो एरिया है, कवर कराया हुआ एफ ए वन में भी एफ ए टू में भी एफ थ्री में भी सेल्स टैक्स डिस्काउंट डिस्काउंट और रिटर्न के नाम से चैप्टर होते हैं ये भी टैक्स है लेकिन दिस इज मच ब्रॉडर टैक्स और नाउ यू नीड टू तो चेंज योर माइंड सेट जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन के सिंपल कंफर्ट जोन वाले माइंडसेट्स हैं इनको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा जो है स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे थोड़ी सी मेहनत इंक्रीज करनी पड़ेगी थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ साथ करूंगा, ठीक है तो टेक्निकल एरियाज इसमें बहुत सारे हैं कैलकुलेशन सारी है रूल्स uh, सारे हैं जिसके अंदर हमें देखने इट इज फुल ऑफ रूल्स हंड्रेड परसेंट इसमें हैं. जो है वो कुछ ना कुछ हद हाँ तक है टैक्स प्लानिंग के uh, आप हमें बताएं, सकता है इस, इस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी लेकिन अभी हम ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन सेशन देखने आई थिंक जो डिस्कशन है वो तो काफी हद हाँ तक होगी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ओरिएंटेशन डेमो ठीक अच्छा आज का फोकस अगेन मैं बताता चलू कि हम लोग इसका जो पेपर uh, पैटर्न ऐसे शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग एरियाज देखेंगे कौन कौन से इसके अंदर हैं फिर मैं टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात करूंगा फिर आप देख सकते हैं यहाँ से थ्योरेटिकल सिंपल जो चैप्टर वन वाले एरियाज हैं वो स्टार्ट होंगे अच्छा यहाँ पे मैं बताते चलूँ तो का फॉलो करूंगा राइट right? लेकिन जो एरियाज हैं वो ऑब्वियसली अपने नोट से हम लोग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि एक एक एरिया हम बुक से पढ़ेंगे क्योंकि बुक मैंने आपको जैसे बताया एक हजार सत्तर पेजेस की है अगर हम बुक फॉलो करने लग गए तो आपका बहुत टाइम ज़ाया भी होगा और बहुत टाइम लग जाएगा जो कि हम नहीं लगाना चाहते वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट सही शुरिंग अब देखते हैं जरा इसको इसमें क्या क्या चीजें ठीक है थीके? एक सेकेंड चलें करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है अच्छा अब देखिये यहाँ पे जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पैटर्न ठीक है अच्छा पेपर पैटर्न में जी इस तरह है कि आपने गौर से सुना है हमारे पास तीन सेक्शंस हैं अब वो जमाने गए जिसके अंदर फाउंडेशन था आपके एक सेक्शन था

किस एरिया के टैक्सेशन के पेपर के ठीक है अच्छा अब फिफ्टीन एमसीक्यूज टू टू मार्क्स के होगे तो आपका एरिया ऑब्वियसली कितने का बन गया थर्टी मार्क्स का आपका एरिया बन जाता है राइट right, जी समझ आती है बात ऑब्वियसली का मतलब है मल्टीपल चोइस क्वेश्चन आपको ब्लैंक्स भी दिए जा सकते हैं इसमें आपको आ, चार ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं बी सी डी आपने से सिलेक्ट करना पड़ेगा साथ में मैंने रेड कलर से देखें जी बॉक्स में पे क्या लिखा हुआ है कि कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ द सिलेबस सिलेबस के किसी भी एरिया से ये हो सकता है ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ सिलेबस ठीक है चले अब आगे देखते हैं जो सेक्शन बी है सेक्शन बी जो है इसके अंदर सेकंड वाला उसके अंदर एम टी क्यूज है अब जिन लोगों ने एफ टू एफ थ्री स्पेशली एफ वन के एग्जाम्स दिए हुए हैं मैं वगैरह की बात नहीं कर रहा उसमें एम टी क्यूज आते थे और एम टी क्यूज में क्या होता था अगर आप लोगों को याद है एक सिनेरियो अटैच होता था

ठीक है अच्छा जी यहाँ देखें जी क्या लिखा हुआ है कि वन केस वन केस विल कंटेन फाइव एम सी क्यूज वर्थ टू मार्क्स ईच विच इज टेन मार्क्स इसी तरह आपका एक सवाल यह बताने की कोशिश कर रहा है कि टेन मार्क्स का इसीलिए बनेगा क्योंकि आपको एक एम टी क्यू में पांच एम सी क्यूज आएंगे और एक सिनेरियो आपको दिया होगा एक केस स्टडी बनी होगी छोटी सी केस स्टडी होगी और आपको फाइव एम सी क्यूज इसमें दिए जाएंगे और एमसीक्यू केस स्टडी से रिलेट करेंगे अच्छा गौर करने की बात गौर करने की बात ये जो है नॉर्मली इन तीन चार एरिया से पूछे जाते हैं नंबर वन इनकम टैक्स ठीक है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर टू इनहेरिटेंस टैक्स ये बिल्कुल आखिर में जाके फिफ्थ एरिया आता है F6 का बिल्कुल आखिरी जो सेक्शन है ना एरिया है वो ये इनहेरिटेंस टैक्स वाला है और फिर है जी कैपिटल गेंस टैक्स तो तीन एरियाज कौन से हैं जी इनकम टैक्स बेसिक वाला इनहेरिटेंस टैक्स जिसको आई एच टी भी कहते हैं आई एच टी ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ आई एच टी ये भी हम आगे देखते हैं और फिर है जी कैपिटल गेंस टैक्स नॉर्मली आपको तीन सवाल इससे बन के आ सकते हैं एक परफेक्ट गाइड है आपके लिए इन तीनों में से किसी पे भी एक एक सवाल आ सकता है आपको ठीक है अच्छा जी काम की बात सेक्शन सी सेक्शन सी सेक्शन सी में आपको क्या आता है जी थ्री सी आर क्यूज बच्चा पूछता है सीआरक्यू क्या होता है सीआर होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये एम टी क्यूज नहीं है एमसीक्यूज क्यूज नहीं है डी स्टूडेंट ये है सीआरक्यू जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ठीक है अब ये स्किल लेवल में एक ऐसा फीचर है जो कि पिछले फाउंडेशन लेवल में किसी ने नहीं देखा इसलिए स्किल्स लेवल को स्किल्स लेवल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है? टाइपिंग, टाइपिंग, टाइपिंग है।, है और यही जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी टाइपिंग टाइपिंग ठीक है सेक्शन सी वाले में सेक्शन ए बी में सिंपल ऑप्शन सेलेक्ट करनी होंगी एमसी की तरह के होंगे सेक्शन सी में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी डी स्टूडेंट इसमें भी तीन क्वेश्चन है तीन सवालत होंगे ठीक है, हो है पहला क्वेश्चन किसका होगी जी टेन मार्क क्वेश्चन है ठीक है पहला क्वेश्चन अब देखें थोड़ी सी अनइवन बैलेंस है इसका कुछ कर भी नहीं सकते एग्जामिनर ने क्योंकि बनाया है हमने उसको फॉलो करना है ठीक है थोड़ा सा अनईक्वल unequal... जो है ना इन इक्वल बैलेंस है देखें पहला क्वेश्चन है दस नंबर का ये नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपका ज्यादा पूछा होता है कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है एक्सप्लेन करें ठीक है इसको हम डोंट वरी आखिर में जाके प्रैक्टिस करेंगे ये किसी भी एरिया से हो सकता है इनकम टैक्स से हो सकता है इनहेरिटेंस टैक्स से हो जाता है अभी मैं आपको सारे एरिया कवर कराता हूँ इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ठीक है अब देखें सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ना फिफ्टीन फिफ्टी मार्क्स है ये एक्चुअल तीस नंबर है आपके तो तीस और दस कितने हो जाते हैं चालीस बाय द दी जो सेक्शन uh, है यहाँ मैंने आई थिंक लिखा नहीं हुआ यहाँ मैं चलने लिखता हूँ ये होता है फोर्टी मार्क्स का ठीक है तो ऊपर वाले देखें कितने के मिल जाते हैं तीस

ठीक है जी कोई भी एरिया पूछा जा सकता दो है लेकिन नॉर्मली जो फिफ्टीन मार्क्स होते हैं ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे एक एम टी के जो है वो केस बना होगा उसमें पांच पांच एमसी क्यूज होंगे तो टेन टेन मार्क्स के तीन एम टी क्यूज होंगे और मैंने आपको एरिया इसके बता दी और सेक्शन सी में क्या होगा जी थ्री सी आर क्यूज होंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ठीक जी समझ आती है बात चलें ये हमारे पेपर पैटर्न हो गया इस पर वैसे भी टाइम ज्यादा नहीं लगाना जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एग्जाम केट पे आहिस्ते आहिस्ते तो जाएंगे सिलेबस थोड़ा तो लंबा होने जा रहा है और ये मार्च 2024 ट्वेंटी के लिए इंशाल्लाह होगा ठीक है एंड uh, जो आपको पता है इसका जो सिलेबस है ना वो मार्च में चेंज होता है अच्छा उसकी भी रीज़न क्या है ये भी रीजन काइंडली सुन लें ऊपर मैंने ये दो ग्रीन एरियाज के बारे में नहीं बताया आप देखें लेफ्ट सॉरी राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है एफ ए ट्वेंटी टू ठीक है यहाँ पे जरा देखें ये लिखा हुआ है मैंने एफ ए ट्वेंटी टू इसका क्या मतलब है जी इसका मतलब है कि फाइनेंस एक्ट 2022 अब जो ये टैक्सेशन वाले एरिया ना स्टूडेंट्स ये कोई आम एरा गहरा एरिया नहीं है ठीक है इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं समझ सकते आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा सा माइंड उठा देना होगा क्योंकि वो एफ थ्री तक ही थी फिर वो जाके एफ सेवन में आती है इससे अगला पेपर है ना ये तो एफ सिक्स है ना एफ सेवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफ आर के उसके अंदर जाके सारे अकाउंटिंग स्टूडेंट्स आते हैं उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दें क्योंकि अभी तक जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बहुत जबरदस्त बेसिक नॉलेज देते हुए आ रहे हैं ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है फाइनेंस एक्ट का ये मतलब है कि इसमें जो गवर्नमेंट से ऑब्वियसली टैक्स लेती हैं और टैक्स निकलवाती हैं और उसके रूल्स इंट्रोड्यूस करती हैं तो ये फाइनेंस एक्ट हर साल एक चेंज होती है इसको हम एफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एफ ए ट्वेंटी तो जो भी आपसे पूछे ना कि भाई टैक्स का कौन सा एग्जाम दे रहे हो कौन सा पेरियंट दे रहे हो ये है जी एफ ए अगले साल एफ ए आएगा पिछले साल एफ ए ट्वेंटी था उससे पिछले साल ट्वेंटी ट्वेंटी था सही अब देखिये एक चीज समझे ये क्या है टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ये हम लोग पढ़ रहे हैं डी स्टूडेंट्स एक चीज अपने माइंड में बिठा लें ये चीज मैं लिखने लगा हूँ अप्रैल हर साल, हर साल, से अप्रैल तक चलता है अगर मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करू ना चले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ अगर मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करूं तो सिक्स अप्रैल दो हजार बाईस से जो कि लास्ट ईयर था फिफ्थ अप्रैल दो हजार तेईस तक ये चलेगा ये देखें कितने बनते हैं पूरे ट्वेल्व मंथ बनते हैं पूरा एक साल बनता है ठीक है तो अगर ये तो तो पूरा एक साल बन रहा है, है वो इन डेट्स के ऊपर वाला उसमें क्या था सिक्स अप्रैल ट्वेंटी वन से 22. इसमें क्या है सिक्स अप्रेल ट्वेंटी टू से फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी थ्री ठीक है तो ये डेट्स थोड़ी सी अजीब से आपको लगेंगी लेकिन इस पे ही आपकी जो टैक्सेशन है इंडिविजुअल की वो होती है अप्रैल से पिछले साल करंट ईयर फिफ्थ अप्रैल तक और हम अभी इसीलिए पढ़े क्योंकि अभी नया जो टैक्स ईयर है वो तो शुरू हुआ हुआ है लेकिन फिफ्थ अप्रैल तो गुजर चुकी है, ना, आज के डेट है। से आज है ऑफ तो नवंबर 23। सही तो अभी तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाला चल रहा है लेकिन इसकी पढ़ाई तब होती है जब टैक्स ईयर पूरा पास हो जाता है तब हम पुरानी चीजों को पढ़े होते हैं जो एक साल पहले गुजर चुकी होती हैं ठीक है थीके? हम करंट चीजों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि कोई भी चेंज आ सकता है कुछ भी हो सकता है बीच में

उसकी जो कॉम्पिटिशन है रिटर्न है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं अब ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यूके के रिटर्न किस तरह बनाते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल काम है ठीक है उसके अंदर ऑब्वियसली जो ए uh, सी है वो उस एरिया को फोकस नहीं करता लेकिन हाँ आप रूल्स समझेंगे तभी तो आपको आएगी कैसे हम लोग उसकी रिटर्न रेडी करते हैं ठीक है वो बात की बात है फिर हम रेजिडेंसी लॉ देखेंगे कि कौन सा शख्स है कौन सा इंसान है जो कि यूके रेजिडेंट कहलाया जाता है कौन सा इंसान है जो कि यूके रेजिडेंट नहीं कहलाया जाता मेरे भाई मेरे दोस्त माई स्टूडेंट डियर स्टूडेंट यहाँ सारी गेम है रूल्स की यहाँ सारी गेम है रूल्स की एक टॉपिक की बात नहीं करा एक एक चीज की बात कर रहा हूँ ए टू जी जो आपका सिलेबस है ए टू जी जीरो टू हंड्रेड परसेंट उसमें रूल्स की कहानी है सब याद करने वाली चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ कहना पड़ता है स्टूडेंट्स इसको रट्टा लगाते हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली लगाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ के चलेंगे रट्टे के बजाय अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दैट इज मच बेटर दोनों चीजें आपके पास हैं अब चॉइस आपकी है कि आपने किस मेथड के तहत जाना है मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप सारे साथ चीजें समझें और अप्लाई करें जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन पे आपको कोई समझ नहीं आएगी कोई फायदा नहीं होगा नॉलेज का ठीक है फिर जी कारपोरेशन टैक्स है कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है कि कंपनी जो काम कर रही होती है इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही क्योंकि देखिए ईच एंड एवरी एरियाज में फोकस किया जाएगा हर चीज को देखा जाएगा इंडिविजुअल को देखा जाएगा कंपनीज को देखा जाएगा हर चीज को देखा जाएगा ठीक है चाहे वो इंसान इंसान हो चाहे वो कंपनी हो जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं ना उस उसपे भी एक अलग टैक्स होता है अभी इनकम टैक्स अलग है ना जो कि इंडिविजुअल पे लग रहा होता है कि उसकी से इनकम आ रही है ये इंसान वाला वाला टैक्स 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 है 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 ये जो कंपनी कौन सा ठीक इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी नहीं लेकिन ऑब्वियसली साथ के साथ ठीक है फिर ये इंसानों के ऊपर लागू होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम एक इंसान एम्प्लॉयमेंट इनकम कमा सकता है एक इंसान नौकरी कर सकता है जॉब कर सकता है जो जॉब से वो पैसे कमाएगा उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम कहलाएंगे

इसको हम कहते हैं इसमें ये होता है कि जी आपने सस्ती चीज लेके महंगी बेच दी जो कि मोस्टली लोग करते हैं अपना काम धंधा ऐसे चलाते हैं सस्ती महंगी बेच दी। सस्ती चीज चीज ली ली महंगी अपना नाम छापा छापा ब्रांड आगे बेच दी ब्रांड नेम ऐसे ही बनते हैं राइट अब इनहेरिटेंस टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है जी कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए ठीक है कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए उसके बाद उसकी जो सारी चीजें हैं उसको क्या होता है जो चीजें छोड़ के जाते हैं पीछे किसको गिफ्ट मिलते हैं क्या होता है किस तरह चीजें बढ़ती हैं, उस पे कितना आपको पे, पे करना पड़ता है उस पर हम सारी चीजें आई पे पढ़ेंगे आई एस टी सी जी टी अलग था आई अलग है ठीक है अब इनके जो सवाल है ना जो सी जी आपको याद है मैंने कहाँ लिखा था ये देखिए मैंने सेक्शन बी में लिखा था सेक्शन बी में इनके सवाल आते हैं मैंने इनकम टैक्स लिखा था इनहेरिटेंस टैक्स लिखा था और कैपिटल गेंस टैक्स लिखा था तीन एरिया तीन एम टी तो तीन एरिया से आपको आ सकते हैं ठीक है उसके बाद एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी यूके में एक बहुत कॉमन चीज है जो स्टूडेंट्स से यूके की रूल से वाकिफ हैं या फिर यूके में रहते हैं से बहुत सारे स्टूडेंट्स आई होप इस तरह होंगे जो यूके में रह के ये लेक्चर देख रहे हैं ठीक है तो एन आई सी वहाँ पे पे की जाती है ये एम्प्लॉयर भी पे करता है जो आपका बॉस होता है जो आपकी कंपनी होती है और ये इम्प्लॉयीज भी साथ में पे कर सकते हैं ठीक है इसकी सारी नॉलेज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं एन आई सी एन आई सी एन आई सी ठीक है NIC, 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 और वैसे तो मैंने इसमें मेन मेन एरियाज लिखे हैं इसमें फिर सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स आते हैं बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है बहुत ह्यूज सिलेबस है तो इसको हम जितना बेस्ट स्टेप कवर करेंगे उतना आप लोगों का फायदा होगा फिर हमारे पास क्या है लास्ट में वैल्यू एड टैक्स टेक्स वी ए टी इसको हम कहते हैं वैट ये एरिया वैसे हमने एफ ए टू एफ थ्री लेवल पे भी पढ़ा हुआ है लेकिन वो बहुत छोटा सा बचपन वाला तरीका था वो कुछ भी नहीं है इसके सामने यहाँ पे पूरा टॉपिक है पूरा एरिया है हर चीज़ हमने पढ़नी है क्या ड्यू डेट है कौन बी के लिए रजिस्टर हो सकता है कौन नहीं हो सकता क्या थ्रेशोल्ड है क्या तरीका है किस तरह हम हम फाइल करते हैं इनपुट क्या क्या होता है, क्या होता है 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 आउटपुट ईच एंड इसके अंदर देख रहे होंगे ठीक ओके तो ये ग्रीन वाले एरियाज यहाँ पे आपको सब समझ आ गए होंगे अब थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लेते हैं आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ आ रही है किसी को क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो ग्रुप में एनी टाइम पूछ सकते हैं ठीक है अब टाइम मैनेजमेंट डे स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टाइम में आपको एग्जाम uh, में आपको टाइम कितना अलाउड है तीन घंटे और सिर्फ पंद्रह घंटे और मिनट मिनट जो कि बनते हैं अगर हम इनको मिनट्स में देखें ठीक है अगर वन नाइन को हंड्रेड से डिवाइड करें तो एक मिनट पे कितना बनता है मार्क्स बनते हैं अब इसमें प्रोफेशनल मार्क्स भी हैं पेपर में लेकिन उनको हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है जितने भी हंड्रेड में से प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं लेकिन जो uh, आपको पर मार्क मिनट लगाने वो है ठीक है तो लेट्स से अगर हम सेक्शन ए की बात करें जिसमें टू मार्क के एमसीक्यूस थे तो टू मार्क के एमसीक्यू शुड ईच टेक अबाउट फोर मिनट्स टू कंप्लीट ऑब्वियसली अगर 1.95 आप कर लें चलिए राउंड ऑफ करके दो कर लें ना कोई मसला तो है नहीं दो मिनट कर लें सही तो इसके हिसाब से क्या बनता है 4 मिनट बनते हैं अब देखिए फिर 2 में क्या था अब ऑब्वियसली मैं हर चीज को एफ ई टू से इसीलिए कमेयेयर करूँ क्योंकि मोस्टली लोग फाउंडेशन बैकग्राउंड से आते हैं एफ में आपको कितने अलाउड थे उसमें आपको ढाई मिनट अलाउड थे तो इसमें आपको चार मिनट अलाउड है क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेशन नेचर का होगा ना एफ की नेचर का तो नहीं होगा एफ में तो आपने एक आंसर सेलेक्ट करना है पहले ही बैक एंड पे सिस्टम को पता है सही है ये गलत है उसने खुद ही मार्क कर देना है

अब जो लास्ट एरिया है फिफ्टीन मार्क्स का जो सीआर uh, क्यू है जो कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन था जिसके अंदर टाइपिंग 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 होती है इतनी भी टाइपिंग नहीं होती लेकिन आपको बेसिकली uh, एक्सेल पे स्प्रेडशीट्स पे चीजें बतानी पड़ती हैं वो हम ऐसे ऐसे आगे जाके डिस्कस करेंगे ठीक है एक सेकेंड तो जी इसके लिए आपको कितना टाइम अलाउड है फिफ्टीन मार्क्स शुड नॉट टेक मोर देन ट्वेंटी नाइन मिनट चलें तीस मिनट कर लें तीस मिनट कर लें बत्तीस मिनट कर लें, लें। प्रैक्टिस के दौरान हो सकते घंटा घंटा आपको लगे

चीज ये कि आपने क्वेश्चन समझना है आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपका टाइम खुद ही प्रैक्टिस से कम होता जाएगा पहला क्वेश्चन घंटे में होगा सेकंड क्वेश्चन 58 मिनट्स में होगा तीसरा क्वेश्चन से पचपन मिनट में होगा 10 या 15 क्वेश्चन करने के बाद आपका टाइम गारंटी है कि 40 45 मिनट में आ जाएगा और फिर चालीस मिनट से तीस मिनट पे लाना इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी समझ आती है जी बात चले ओके okay. अच्छा, जी कि ये क्या है ये इसके छोटी -छोटी दो हैं। वैसे में बहुत सारी चीजें लेकिन मैंने पे, वाली लिखी है तो जैसे जैसे हर चीज का एरिया आता जाएगा क्योंकि आपको पता है शुरू से जो एफ लेवल से मेरे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल पहले पेपर से चाहे एफ हो जाए एफ हो जाए थ्री हो जाए या फिर अब एफ हो जाए किसी भी एग्जाम के अंदर मैं नॉर्मली मेरी नेचर है कि मैं चैप्टर वाइज नहीं चलता मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ अब अगर चार चीजें हैं वो चारों चैप्टर्स में बार बार दोहराई गई हैं तो मैं चारों दफा उनको दोहराऊंगा नहीं मैं एक ही दफा उनको बताऊंगा ताकि टाइम सेव हो और एक ही दफा हम करें बेशक टाइम ज्यादा लगा के करें लेकिन उसमें स्टूडेंट को अच्छी समझ आनी चाहिए ठीक है चले क्या लिखा हो जी आपके सामने डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स ये जरा समझें क्या होते हैं

एक इंसान है जो अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे बिजनेस पे डिविडेंट्स uh, पे सब बैंक इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं टैक्स दे रहे हैं उसको हम इनकम टैक्स में शामिल करते हैं ठीक है इसके एक पूरा एरिया पे हम अच्छा खासा टाइम लगा रहे होंगे ओके इसके ऊपर इट्स सेल्फ दस से पंद्रह लेक्चर सिर्फ इनकम टैक्स पे होंगे ओके अब कॉर्पोरेशन टैक्स है वो जो मैंने आपको ऊपर बताया कंपनीज अपने प्रॉफिट पे पे करती हैं इनहेरिटेंस टैक्स है अब ये कंपनीज भी प्रॉफिट पे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है किसी मिडल मैन को नहीं पे कर रहे होते सही इनहेरिटेंस टैक्स भी लट से वो जो गिफ्ट uh, एड्स होते हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं लट से अगर कोई बंदा वफात पा जाता है उसके बाद तो उस केस में ये इनहेरिटेंस टैक्स डायरेक्टली हम लोग उसके जो डिसेंडेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई मिडल मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ये क्या होता है जी डायरेक्ट टैक्स होते हैं अब इनडायरेक्ट देखें इनडायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट देखें इन देखे, इन देखे, इन देखे, इन देखे, इसमें बीच में एक बंदा आ जाता है बीच में एक जैसे होलसेलर नहीं होता आपको चीज बेच रहे हैं उसमें होलसेलर आता है रिटेलर आता है इसमें ऐसा नहीं है लेकिन इसमें एक मिडल मैन आ जाता है क्या लिखा है इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी होता है बीच में एक बंदा आता है दखल करने की और वो जरूरी है वो नहीं आएगा तो फिर हमारी टैक्स पे नहीं होगा ठीक है कलेक्टेड इंटरमीडियरी एंड पास ऑन टू द गवर्नमेंट हम इसको डायरेक्टली पे नहीं करते हम किसी के थ्रू पे कर रहे होते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल बताऊं क्या है सेल्स टैक्स जो आप सब स्टूडेंट्स मेरे साथ एफ ए वन एफ ए टू या किसी भी टीचर से अगर आपने पढ़े तो आप उनसे पढ़ते हुए आए होंगे ठीक है उसके अलावा वैट वैल्यूट और सेल्स टैक्स में एक ही होता है कोई तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है 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 ठीक और सेल्स टैक्स एक ही होता इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है कुछ लोग पाकिस्तान में इसको ऐसे जीएसटी कहा जाता है जनरल सेल्स टैक्स कुछ लोग वी कहते हैं हम क्योंकि क्या पढ़े यूके वेरियंट पढ़े तो यूके के अंदर इसको वी कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है वीआईटी में क्या होता है कि आप दुकान पे जाते हैं अब गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करते आप पहले दुकान वाले को कार्ड से पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट करते हैं उसमें प्रोडक्ट की कीमत अलग होती है जो टैक्स होते हैं वो अलग होता है और फिर टैक्स जो है वो आप नहीं देते बीच में कौन आ रहा है शॉप वाला आ रहा है अब हो सकता है उस शॉप वाले ने किसी और से सामान खरीदा हो तो उसका भी टैक्स उसको जाएगा फिर तो हो सकता है उसी दूसरे शॉप वाले ने तीसरे शॉप वाले से खरीदा तो देखिये होते 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 हम डायरेक्टली कस्टमर पे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को यस कस्टमर पे आखिरी इंपैक्ट कंज्यूमर पे आ रहे लेकिन आखिर में कहा पे जा रहे हैं

सवाल ये अवॉइडेंस क्या होता है ठीक है नाम से समझ आ रहा है सबको इंग्लिश आती होगी हो तो जिसको आते भी हो समझ सकते हैं मतलब है मतलब है कि जबरदस्ती बचना इविजन भी बचना होता है लेकिन अवॉइडेंस जो है ना वो अच्छा वाला बचना होता है अवॉइडेंस का मतलब है शरीफ होके बचना एविजन का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना टेरर से बचना ठीक है मतलब कि दहशत गर्दी फैला के बचना इस चीज को हम कहते हैं एवेजन ठीक है अब देखें अवॉर्डेंस में क्या होता है यहाँ भी देखें लिखा हुआ है रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग क्या लिखा हुआ है जी रिड्यूसिंग योर टैक्सेस थ्रू लीगल मीन्स After discussing, after discussion from tax consultant. Obviously, आप consultant के पास जाते हैं ज्यादातर लोगों को नहीं होती ना इसकी नॉलेज राइट ऐसे ही है तो क्योंकि सारे तो अकाउंटेंट्स नहीं होते सब ने तो ये एफ सिक्स का पेपर है ए सी या कोई क्वालिफिकेशन नहीं की होती ना तो एक आम ले मैन पे तो सबको करना है लेकिन सब अकाउंटेंट तो नहीं है ठीक है तो ऑब्वियसली सबको क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर एक एडवाइजर के पास जाके कंसल्टेंट के पास जाके अपने जो टैक्सेस हैं वो फाइल करने पड़ते हैं ठीक है और इसके अंदर वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि सही तरीका क्या है ठीक है आपको सही तरीके से किस तरह ये अवॉइड करना है इसको हम अवॉइडेंस कहते हैं ठीक है इसको मैं यहाँ पे वैसे लिख भी देता हूँ इन गुड वेगली लिखा भी हुआ है लेकिन मैं वैसे आसान करके लिख रहा हूं। in good way, और ये ये जो होती होती है ये होती है in bad way, है ना बुरे तरीके से ठीक अब देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ इन दिस इन दिस टैक्स विद हेल्प ऑफ रिलीफ जो गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिए मैं ऐसा नहीं कि आप खुद से रिलीफ बना रहे हैं, नू, नू, ने जो आपको में, जो में लिखे में, हैं लॉ के तहत चल रहे हैं ठीक है किसी चीज को आप गलत साबित नहीं करें क्या लिखा है विद ऑफ रिलीफ एंड ये सारी चीजें जो है अलाउंसेज है ये सब गवर्नमेंट आपको देती है छूटें देती है गवर्नमेंट क्या ये लो ये छूट मैंने आपको दे दी यूज करना तो कर लो ठीक है ये सारी छूटें सारे रिलीफ हम इनशाला नीचे पड़ेंगे क्या लिखा है प्रोवाइडेड बाई दी गवर्नमेंट और द लॉ लॉ या गवर्नमेंट जो भी एक ही बात है ये आपको प्रोवाइड करती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन्स नंबर वन पी ए पी ए इसको कहते हैं हम आगे सब चीजें पढ़ेंगे घबराना नहीं है घबराना नहीं है सारी चीजें हम पढ़ेंगे ठीक है पर्सनल अलाउंस ठीक है ये एक टैक्स फ्री लिमिट होती है हर कंट्री में होती है ठीक है कि आपको इतनी आप इनकम कमाओगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ठीक है और दूसरा है चाइल्ड बेनिफिट रिलीफ ये तो सिर्फ दो ही है ना वैसे इसकी लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन लिस्ट नीचे जाती जाती है लेकिन ये दो ही हैं जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है अब देखें सवाल ये स्टूडेंट ने पूछा बच्चे ने पूछा इविजन क्या होता है भाई ठीक है है तो मैंने जैसे अभी बताया क्या क्या सही तरीके से टैक्स या फिर इल्लीगल वेज, इल्लीगल वेज को करते हैं क्योंकि है, आपने, है कुछ कुछ तो आपने एक लाख पे पे करना था ना अब आपने सत्तर हजार दिखा दी ठीक है आपने कोई चीज को महंगा बेच के जिसको अभी हमने सीजीटी टी पढ़ा राइट कैपिटल पांच लाख की चीज ली और उसको सात लाख में बेचा इसका मतलब दो लाख का आपने बैठे बैठा प्रॉफिट कमाया और वो दो लाख इमेजनरी नहीं है जिनको रिवॉल्यूशन याद है नॉन करंट एसेट्स की फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो काम नहीं है ठीक है इट इज नॉट अनियलाइजेबल आपको एक्चुअली उसका पैसा मिला हुआ है आपके पास दो लाख एडिशनल गेन पड़ा हुआ है ठीक है तो उसको आपने कहा कि चलो दो लाख ना दिखाओ आप दिखा दो मैंने पांच लाख एसेट लॉस में बेच दिया चार लाख में बेच दिया तो मुझे उल्टा दो लाख का प्रॉफिट नहीं एक लाख का लॉस हुआ है ये काम करना ये होता है इलीगल वेज से

तो ऑब्वियसली इस दुनिया में कुछ एक्सपेंसेस हैं जो अलग माने जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हर चीज एक्सपेंस होती है ना रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस इसमें ऐसा नहीं है इसमें ऐसा नहीं है ठीक है इसमें कुछ खर्चे हैं जो लॉ मानता है कुछ खर्चे हैं जो लॉ कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं मानता ठीक है उन सब के बारे में हाँ और ना के बारे में हम, हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है तो आप लोगों तो ने हौसला रखना है स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ठीक है जी अच्छा अच्छा जी अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सही देखते हैं आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है अब ये जो आप लोगों के सामने बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ठीक है जैसे एक पर्सनल की जो टैक्स हमने देना होता है पहले जो उसकी इनकम एसेस होती है कि किस किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थ्री सेट्स के अंदर इस चीज को डिवाइड करते हैं ठीक है तो हम एक्चुअली ये करते हैं कि हम इसको नॉन सेविंग्स के अंदर सेविंग्स के अंदर और डिविडेंट के अंदर हर इनकम इन तीन तरह के डिजन uh, के अंदर आती है इसके अलावा कोई चौथी डिविजन नहीं है सिर्फ तीन पार्ट ही होते हैं इसके ठीक है अब ये तो एक फुल फॉर्मेट है ठीक है एक तो फुल कंपटीशन का फॉर्मेट है यहाँ पे मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपने इसको याद करना है मेमोराइज करना है या ये, 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 ये आपको एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे हर तरह की जो इनकम है जो हम अभी आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें वन बाय वन पे लिखी हुई हैं ठीक है जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट है हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ये उसके अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं इसी तरह जो इम्प्लायमेंट इनकम है इसका टॉपिक अभी हमने करने वाले हैं आगे वाले ठीक है प्रॉपर्टी इनकम ये भी नेक्स्ट टॉपिक है ये हम हम देखेंगे डिविडेंड्स की हो सकता है आज डिस्कशन करें सही और उसके अलावा बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट है ठीक है तो देखें जो इंटरेस्ट वगैरह ना इंटरेस्ट क्या होता है आपकी जमा पूंजी होती है राइट तो इसीलिए ये किसके अंदर क्लासीफाई हो रहे हैं सेविंग्स इनकम के हेड के अंदर राइट सेविंग इनकम का क्या मतलब होता है कि आपने अपनी सेविंग कहीं लगाई हुई है तो आप कोई सेव करे चीज राइट right? तो सेविंग सेविंग मतलब जो इंटरेस्ट हो सकता है है कोई भी जमा पूंजी आपने रखी उसको हम लोग इनकम कहते हैं लेकिन इंटरेस्ट वगैरह के अलावा जो सब कुछ होता है जो कि आपकी सेविंग से कनेक्टेड नहीं है उसको हम कहा क्लासीफाई करते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं नॉन सेविंग इनकम के अंदर नॉन सेविंग इनकम का मतलब है कि है कि नॉर्मल इसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रॉपर्टी इनकम सब नॉर्मल जॉब अपने रोजमर्रा लाइफ के अंदर कमा रहे हैं ठीक है वो इसके अंदर आएगा और डिविडेंट्स का खाता अलग होता है ये हम अलग से यहाँ पे देख लेंगे ठीक है तो इसको ज्यादा इतना डिटेल में नहीं देखना अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे ये सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट है समझने के लिए आपने हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना ठीक है उसके बाद क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है इसको भी आज हम देखेंगे क्या चीज़ होती है ठीक है फिर ये लॉस रिलीस है ये आगे की चीज़ है ये अभी इसकी फिक्र ना करें ठीक है डोंट वरी इसको आगे हम देखेंगे और फिर ये पर्सनल अलाउंस है इसको भी आज हम देख लेंगे कि क्या चीज़ होती है एक टैक्स फ्री लिमिट होती है जो कि हर इंडिविजुअल को दी जाती है कि इतना आपके ऊपर जो है टैक्स लागू नहीं होगा ठीक है इसका इतना आपके ऊपर टैक्स एविलिटी नहीं रहेगी इस इनकम से ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा ठीक है क्योंकि देखें कमाता तो हर कोई है कमाता तो एक छोटा बच्चा भी है कमाता तो हर कोई है ठीक है चाहे बड़ा हो छोटा हो तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक टैक्स फ्री लिमिट है हर कंट्री में होती है सिर्फ यूके के अंदर नहीं हर टैक्स लॉ के अंदर होती है तो यहाँ पे जो है इसको हम अभी थोड़ी देर में जाके पढ़ते हैं सही चले अब आए जी इसी की डिस्कशन के ये जो हमने तीन हेड्स ऊपर अभी अभी डिस्कस किए हैं नॉन सेविंग वाला सेविंग वाला डिविडेंट वाला इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं नॉन सेविंग के अंदर हमारे पास क्या आइटम्स हैं नंबर वन प्रॉपर्टी इनकम जो आपने रेंट कमाई ठीक है प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट है कंट्रीज के अंदर आपने प्रॉपर्टी इनकम कमाई ठीक है एम्प्लॉयमेंट इनकम आप कहीं नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं आपको एम्प्लॉयर आपका सैलरी दे रहा है वो ये सब नॉन सेविंग में आएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई सेविंग नहीं लगी हुई ये रोजमर्रा वाली चीजें है जो आप वैसे कर ही रहे हैं सेविंग हो या ना हो रिगार्डलेस लेट आप कर ही रहे हैं ठीक है इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम जैसे लट से मैं जॉब भी करता हूँ और साथ साथ मेरा अपना बिजनेस भी है ठीक है जिसमें हम लोग टीचिंग करते हैं तो इसी तरह ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो जाते हैं कि अगर आपका साथ साथ कोई बिजनेस भी चल रहा है लोग क्या कहते हैं कि अक्सर होम शेफ्स खोल लेते हैं राइट जॉब भी कर रहे होते हैं काम भी कर रहे होते हैं साथ साथ अपना भी अपना हसल शुरू करते हैं साइड वाला काम शुरू करते हैं ठीक है होम शेफ बन जाते हैं या फिर एक दो तीन और काम शुरू कर लेते हैं ये सब कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर आएगा सही अब जो सेविंग्स इनकम है सेविंग इनकम मैंने क्या बताया कि नॉर्मली इंटरेस्ट वगैरह से डील करता है जहां पर उन्हें अपनी सेविंग्स लगाई हैं और उनसे आपको रिटर्न आ रहा हो ठीक है जैसे बैंक में हमें पैसे रखने से सूद मिलता है इंटरेस्ट जिसको हम मानते हैं राइट तो उसको हम सेविंग इनकम में लिख सकते हैं अब देखें यहाँ पे इसी की लिखी हुई के एक्टर डिपोजिट आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं किसी को भी पैसे रखवाए हुए हैं तो आपने अपनी सेविंग ही रखाई हुई है ना तो उसी भी सेविंग पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ सेविंग इनकम के अंदर आएगा ठीक है अच्छा डिविडेंड में क्या होता है डिविडेंड में अलग चीजें होती हैं डिविडेंड आप सबको पता है एफ थ्री लेवल में आप सबने पढ़ा हुआ है एफ ए टू में पढ़ा डिविडेंड क्या होते हैं डिविडेंड होते हैं जब हम प्रॉफिट्स कंपनी की कंपनी अपने प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हर साल के एंड पे और वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं राइट तो डिविडेंड्स रिसीव यू नो लिस्टेड एंटिटीज कोई भी कंपनी हो सकती है आपको जिससे भी डिविडेंड्स मिल रहे हैं किसी भी कंपनी से मिल रहे हैं उनके भी अलग टैक्स रेट अप्लाई होंगे इसकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है इसका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है लेकिन वो भी अभी हम थोड़ी देर में जाके पढ़ लेते हैं सही अच्छा अब देखें हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों जो है ना नॉन सेविंग और सेविंग

जो है हमने सारी बुकिश नॉलेज डिस्कस की है अब देखते हैं रियल कैलकुलेशन इसकी किस तरह से होती है नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं थियोरेटिकल देखें चार्थ 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 चलता रहेगा जैसे मैंने आपको बताया रूल बेस्ड अप्रोच है आपको रूल्स याद रखने हैं जिसको रूल याद रह गए जिसने अप्लाई कर लिया वो पास हो जाएगा जिसको रूल रूल जो है याद ना रहे है, ठीक है रूल्स जिसको भूल जाए या फिर जिसको भूलने की आदत हो उसके लिए एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों थोड़ को थोड़ा सा रूल्स को यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा समझ जितना सकते हैं उतना कोशिश करें ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन अगर समझ नहीं भी आती तो आपको मेमोराइजेशन की तरफ अनफॉर्चुनेटली इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम ही ऐसा ठीक है और वैसे भी देखें क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम तो अः से पाकिस्तान में बैठ के यूके के लॉस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा टफ हो जाता है समझना क्योंकि वैसे भी अप्लाई नहीं होता लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारे फायदे इसके होंगे ठीक है अब देखें हमारे पास क्या है ये वाले ब्रांड्स हैं सारे ठीक है बैंड्स का क्या मतलब है कि हमारे पास तीन तरह के रेट्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं सबसे पहले है जी बेसिक रेट नंबर वन नंबर टू जो है हायर रेट है नंबर वन ये था नंबर टू ये है और नंबर थ्री आखिर में क्या है एडिशनल रेट है अब इसमें थ्रेश रख दी गई है रेंजेस रख दी गई हैं कि इतनी ही इतने से इतने रेंज में आपकी इनकम होगी तो इस पर इतना टैक्स लगेगा ठीक है इसमें बेसिकली सिस्टम फॉलो होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जिसमें हम ये कहते हैं कि यार जितना ज्यादा एक बंदा टैक्स सॉरी जितना ज्यादा एक बंदा जो है अर्न करे उतना ज्यादा उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा ठीक है ऑब्वियसली सिंपल सी बात है हर कंट्री में यही चलता है अब देखें ये जो बैंड है मैंने नहीं बताए ये एच एम आर सी ने बताया जो आप टैक्स का इधार है ना आपका यूके वाला उसका नाम है एच एम आर सी इसकी डिस्कशन थोड़ी देर में करते हैं इसका मतलब होता है हिज रेवेन्यू एंड कस्टम ठीक है ये वहाँ की टैक्स अथॉरिटी है जैसे यहाँ पाकिस्तान की एफ बी आर है ना वहाँ पे एच एम आर सी है ठीक है अब देखें बैंड नंबर वन बेसिक रेट जो है वो आपके किस पे अप्लाई होगा अगर आपकी इनकम वन पाउंड से थर्टी सेवन थाउजेंड से है अगर आपकी वन पाउंड एक से लेकर सैंतीस सात सौ तक आपकी इनकम है अब ये रेट हर साल चेंज करते हैं लेकिन राइट right नाउ ये जो सिलेबस है ये हम मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए पढ़ रहे अप्रैल सिलेबस चेंज हो जाएगा ठीक है अब देखें वन से थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर ट्वेंटी परसेंट रेट लागू होगा ठीक है स्टेप बाय स्टेप लगेगा ऐसा नहीं की सारी की सारी ट्वेंटी हो जाएगी उससे सारी सारी भी भी अच्छा, अंदर अंदर मतलब कहां तक? 150, तक. आप किस के अंदर आ जाएंगे किसकी हदूद में दाखिल हो जाएंगे हायर रेट बैंड की हदूद में दाखिल हो जाएंगे आपके ऊपर कौन सा बैंड होगा हायर रेट इसका जो चार्ज है वो कितना है फोर्टी परसेंट है ठीक है और अगर उससे भी ज्यादा है अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं आपके पास अगर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं आप

आप एक बात करूं, बात जनरल लेट्स से आपने जी उन, है अब देखें, क्या आपको लगता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता चलू आप गलत है यू आर रॉन्ग ठीक है कैसे होगा हमारी स्टेप बाय स्टेप हमारी टैक्सेशन होती है क्योंकि हमने पहला बैंड भी तो यूटिलाइज करना है ना ठीक है तो इसका क्या मतलब है इस

Uh, 20 इसका लेते हैं मिनट ये इसका 20 है और 20, का हम लोग एट नाइन टू जीरो मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी जो फाइनल लाइबिलिटी है मतलब वो पैसे जो आप लोगों ने एच को अथॉरिटी को देने वो कितने सोलह हजार चार सौ साठ इस तरह से काम करेगा आपने ये गलती नहीं करनी कि साठ हजार के पूरा का पूरा फोर्टी परसेंट लगा देना ये काम नहीं करना आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू से चलना, चलना अब एक चीज नोट करें आगे हम एग्जाम्पल्स में इसको थोड़ी देर में देखते हैं जैसे जैसे आपके रेट्स बैंड जो है यूजअप होते जाते हैं ना जैसे अभी सैंतीस सात सौ वाले यूज हो गए अब लट्स से अगर इसकी और भी कोई इनकम है प्रॉपर्टी वाली भी है लट से अगर मैंने इंप्लायमेंट की बात की है, सिर्फ जॉब से कितना कमा रहे साठ हजार कमा रहे अगर और तरह की इनकम्स रहती है इंटरेस्ट भी रहता है सारी चीजें रहती हैं तो उसके लिए भी ट्वेंटी वाला बैंड यूटिलाईज नहीं हो सकता ये वन टाइम अवेलेबल होता है एक साल में एक ही दफा अवेलेबल होता है ठीक है हमें पीछे नहीं जाना होगा हमें जो जो आगे आगे अवेलेबल है उसको हमें देखना होगा और अपने ये ख्याल रखना है कि वन फिफ्टी तक ही सिर्फ हायर रेट यूज होगा फिफ्टी थाउजेंड से एक रुपया भी है, एक पॉइंट भी ऊपर गया तो आपका फोर्टी फाइव परसेंट वाला जो रेट है एडिशनल रेट अप्लाई हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखें जी फिर से थोड़ी सी नॉलेज आ गई है देखते हैं कोई इशू नहीं है आपने हौसला रखना है अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही अल्टीमेटली हम जब प्रैक्टिस इसके करेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं कराता हूँ थ्रू आउट इन नोट्स के थ्रू आउट जो है वो एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं तो अभी जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो आपको ऐहिता ऐसा समझ आ जाएगी ठीक है अब देखें जल्दी नहीं करनी हर चीज को सिंपल रखना है सही ओके

इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूँ नेशनल एन एस एंड आई सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं एन एस आई सर्टिकेट्स कभी कभी कहते हैं लेकिन ये क्या होते हैं ये नॉर्मली गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे गवर्मेंट बॉन्स नहीं होते बॉन्डस भी तो बेसिकली सर्टिफिकेट्स को ही कहते हैं ना जिसमें आप गवर्मेंट के इदारे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है और वही आपको रिटर्न दे रही होती है यहाँ भी पाकिस्तान में भी काफी आई आपने देखा होगा तो इन्हीं को काइंड kind ऑफ of वो कहते हैं

जीरो टैक्स होगा, ठीक है सेकंड कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स विद इन आई एस ए इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इनको कंफ्यूज नहीं करना ये नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाली अलग चीज थी अलग कहानी है आई एस ए जो है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ये अलग कहानी है ठीक इस है इसमें क्या होता है ये भी एक तरह से यूके गवर्नमेंट के ही जो है ना अकाउंट्स होते हैं मतलब गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं इनका पैसा कौन यूज करा होता है एक तरह से गवर्नमेंट यूज करी होती है इनकी डिटेल में नहीं जाना लेकिन बस आपने एज ए रूल बेस्ड अप्रोच इसको फॉलो करना है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एफ के अंदर सारे रूल्स हैं और कुछ भी नहीं है तो इसमें रूल क्या है कि आई जो है जिसका मतलब है इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट उस पर भी जो आपको डिविडेंट या सूद मिलेगा वो भी टैक्स नहीं होगा ये सेकेंड चीज होगी ठीक है थर्ड चीज क्या है जी गेमिंग लॉटरी बॉन्ड विनिंग्स ठीक है अगर आप कहीं शर्त जीतते हो या फिर आपकी लॉटरी निकल आती है आपने अक्सर देखा होता है यूरोप के अंदर जो जो लोग गए हैं फिर जिन्होंने अक्सर आपने मूवीज में भी चीज देखी होगी और ये रियल है ठीक है जो भी लोग वहां जाते हैं हर शॉप के अंदर वहाँ पे लॉटरी टिकट मिल रहे होते हैं और लोग बहुत इस पे यकीन रखते हैं ठीक है पता नहीं ऐसा क्या होता है लेकिन लोग बहुत यकीन रखते हैं इसमें ये होता है कि जो वो लॉटरी कमाते हैं या फिर लट से अगर किस्मत है उनकी किस्मत खुल जाती है लॉटरी वगैरह निकल आती है तो गवर्नमेंट ने कहा ये भी आपकी खुशकिस्मती खुश है इसको हम अपनी खुशकिस्मती नहीं समझे आप इस पैसे को इन्जॉय करें इस पर कोई टैक्स हम नहीं लेंगे ये किसने कर दिए स्टूडेंट्स ये एच एम आर सी ने कहा रिपीट करूं मैंने नहीं कहा एच एम आर सी ने कहा है ये नोट्स भी जो है ये एच एम आर सी के ही रेफरेंस से बनाए गए हैं सब चीज़ें जो कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं ये तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स जिन पे टैक्स नहीं है ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है डन हो गया अब ये तो सिर्फ इसकी है ना क्योंकि अभी तो हम बेसिक टैक्स कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं बेसिक इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अभी आगे बहुत सारे एरियाज आने हैं कॉर्पोरेशन टैक्स है सीजीटी है कैपिटल गेंस टैक्स टैक्स है है इनहेरिटेंस और भी काफी इस तरह की एग्जाम चीजें आएंगी लेकिन हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है ठीक है तो ये तीन टाइप के इनकम्स हैं जो कि हमारे टैक्स एग्जाम है अब देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सेविंग्स इनकम ये सेविंग्स इनकम के रिगार्डिंग थोड़ी सी अहम बातें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके सेविंग्स इनकम के रिगार्डिंग सही देखें दो चीजें जो यहाँ पे समझ नहीं है अभी तक हम सारी वैसे बातें एक तरह से नॉन सेविंग की करते लेकिन देखिए हमने टैक्स रेट जो है वो दोनों के पड़े ना सेविंग की भी हम बात करें करें नॉन सेविंग की की भी बात बात भी देखिए नंबर वन पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखें इन, इन सेविंग्स इनकम स्टार्टिंग रेट बैंड अप्लाई ठीक है आपकी सेविंग्स इनकम में एस आर अप्लाई होता है एस का मतलब है कि पहली मखसूस इनकम आपकी चार्ज नहीं होगी टैक्स पे ठीक है इफ इसके पीछे क्या शर्त रखी गई है इफ योर नॉन सेविंग इनकम जो आपकी नॉन सेविंग है प्रॉपर्टी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यू uh, नो you know, ये सारी इनकम है ट्रेडिंग इनकम है ठीक है अगर वो पांच हजार से कम है तो देखें ये जो सेविंग इनकम वाला स्टार्टिंग रेट बैंड है ना ये किसी और पे रिलायंस करे अगर वो होगा तो फिर हमें पांच हजार की छूट मिलेगी ठीक है तो देन द फर्स्ट फाइव थाउजेंड ऑफ द सेविंग इनकम इज नॉट टैक्स तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम आगे एग्जाम्पल में देख भी लेंगे समझ नहीं भी आई तो घबराना नहीं है ठीक है हार नहीं माननी ठीक है ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर कोई चीज समझ नहीं हार नहीं माननी आपने उस जस्तजु में टॉपिक को समझना है ठीक है इन्फॉर्मेशन गेन करने के जस्तुजु में इंथ्यूजिया ठीक तो है तो क्या कह रहे हो आपकी इनकम के ऊपर अगर आपकी जो एन एस आई है नॉन सेविंग इनकम है वो पांच हजार से कम कम है अगर एनएसआई पांच से ज्यादा हुई तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा अवेलेबल नहीं होगा पहला सेंटेंस ठीक है अब एक और तरह की भी छूट दी गई है क्योंकि सेविंग्स इनकम की है ये दोनों बातें सेविंग्स इनकम की है

कि हमने ऊपर बैंड्स पढ़े, राइट टैक्स बैंड्स पढ़े हैं बेसिक है है, है, एडिशनल तो ये बेसिक वालों के लिए अवेलेबल है और हायर वालों के लिए अवेलेबल है. है क्या लिखा देखें? अब band, अगर आप में अपने सारा टैक्स है मतलब सात सौ से ऊपर नहीं जा रही आपकी सारी इनकम ट्वेंटी के अंदर अंदर वाली हदूद में आ रही है तो आपको एनआरबी सेविंग्स इनकम का कितना मौजूद है 1, मतलब आपकी वन थाउजेंड पाउंड जस्ट ट्वेंटी परसेंट में होने के लिए टैक्स नहीं होगी अगर आप बेसिक रेट वाले टैक्स पे हैं लेकिन अगर आपकी इनकम सैंतीस सात से ऊपर जा रही है सॉरी एडिशन कह रहा हूं अगर आप हायर में आ रहे हैं बेसिक से ऊपर वाला हायर जो है उसके अंदर आपका एनआरबी कम हो जाता है आपको पहले पांच की अलाउंस है अभी दोनों साथ साथ नहीं मिल सकते एक चीज मिलेगी देखा जाएगा ना पहले कि आप बेसिक रेट वाले हैं या हायर रेट वाले हैं तो जोन से भी आप हुए उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडिशनल रेट वालों के लिए ये सहूलत नहीं है क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने यह कहा कि ऑब्वियसली आप इतना टैक्स दे रहे हैं इतना पैसा दे रहे हैं तो अब ऑब्वियसली आप इतना लीड कमाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए कोई छूट वोट हम नहीं देंगे क्योंकि आप इतना कमा भी तो रहे हैं अब उसी कमाई पे आपको हमें भी देना पड़ेगा टैक्स आपको फायदा हो रहा है तो हमें भी फायदा होना चाहिए ये किसने कहे यूके गवर्नमेंट ने हमें कहा है ठीक है स्टार्टिंग रेट बैंड एनआरबी क्या है ये भी सेविंग इनकम पे अप्लाई होता है और इसमें देखा जाता है कि आपकी सारी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रॉपर्टी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इकम ट्रेडिंग इनकम सारी चीजें अगर आपकी जिसको नेट इनकम कहते हैं सारी चीजें मिला के कुल मिला के अगर आपकी ट्वेंटी परसेंट वाले बैंड में आ रही है बेसिक रेट में तो आपकी पहली सेविंग इनकम का हजार जो है टैक्स नहीं होगा और अगर कुल मिला के सारी इनकम आपकी हाई रेट में अंदर आ रही है फोर्टी परसेंट वाले में आ रही है तो आपका फर्स्ट फाइव हंड्रेड है पांच सौ पाउंड टैक्स नहीं होंगे इसको डी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं एनआरबी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है अगर दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट भी समझ आ गई तो इसको कामयाबी समझें इसको अचीवमेंट समझें क्योंकि तो एक नया एरिया है इसका फाउंडेशन में कोई सब्जेक्ट नहीं था जैसे एफ थ्री होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे मैं F3 का भी ट्यूटर हूँ एफ थ्री में हम लोग क्या करते थे एफ ए वन और एफ ए टू वाली ही नॉलेज यूजअप करते थे कुछ चार पाँच नए एरियाज थे बाकी सब कुछ एफ ए वन एफ ए टू वाला था ठीक है इसमें ऐसा नहीं है ये तो फर्स्ट एग्जाम है इसमें कोई फाउंडेशन वाला ऐसे नहीं था ठीक है और है भी ये पाकिस्तानी रूल्स नहीं

अप्रैल 2022 से लेकर फिफ्थ अप्रैल 2023 तक जैसे ऊपर हमने यहाँ पे देखा था ये देखें हमारे जो टैक्स ईयर है ये सिक्स अप्रैल 22 को शुरू हो रहा है और फिफ्थ अप्रैल 23 को खत्म हो रहा है अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पेट इज बारह हजार पांच सौ तो सत्तर आपको याद है ऊपर जो मैं कॉम्पिटिशन में आपको बता रहा था कि एक फ्री जोन होती है जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता अब देखें इनकम तो कोई भी कमा सकते हैं ना चाहे पाँच महीने का छोटा बच्चा हो या एक साल का बच्चा हो ठीक है या फिर दो साल का हो या तीस साल का हो या सौ साल का हो कोई कितनी भी उम्र का कोई हो लगता तो टैक्स सब पे है लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि एक टैक्स फ्री जोन है जिसमें इतनी इनकम अगर आपकी हुई इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा ठीक है और वो क्या सेट की गई है राइट नाउ तो, पहले बहुत जमाने पहले बारह पाँच होती थी अब क्या है ये बारह पाँच सौ सत्तर है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेवेंटी ठीक है तो देखें जी क्या लिखा हुआ लिख है दिस इज द सर्टन लेवल दिस इज द दर्टन लेवल ऑफ इनकम रिलीफ अवेलेबल टू बी नेट ऑफ फ्रॉम द टोटल इनकम जब टोटल इनकम सब कुछ लिख दिया जाता है जिसको हम नेट इनकम कहते हैं सब कुछ लिख दिया जाता है है ठीक जैसे कि इंटरेस्ट है जैसे कि कि प्रॉपर्टी इनकम इनकम है 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 जैसे सेल्फ सब कुछ लिख दिया जाता है ट्रेडिंग इनकम है उसके बाद एंड में ये माइनस किया जाता है लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन याद रखें याद रखें कि इन तीन ऑर्डर के अंदर इन, इन तीन सीक्वेंस के अंदर आप इसको माइनस करेंगे सीक्वेंस नहीं बोलना ठीक है सीक्वेंस पहले है एनएसआई पहले आप नॉन सेविंग इनकम से इसको माइनस करेंगे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी हम हाँ नॉर्मली तीन हेड्स बनाते हैं उसके अंदर इनकम को लिख रहे होते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ था uh, क्या कहते हैं ऊपर कंपटीशन है अभी हमने जो देखा था एनएसआई आप लिखते हैं नॉन सेविंग इनकम फिर सेविंग कवर पे डिविडेंड इनकम ठीक है तो नॉन सेविंग है सेविंग और फिर डिविडेंट आखिर में जो कि यहाँ पे आती है इसी सीक्वेंस में आपने बारह पांच सौ सत्तर को यूज करना है लेट्स से अगर बारह पांच सौ सत्तर सारा का सारा यहाँ यूज हो जाता है नॉन सेविंग के अंदर तो हमारे पास सेविंग के लिए और डिविडेंट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा वो पूरे पूरे टैक्स होंगे ये मतलब है इसका सही तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है अब देखें ये एक और कहानी है देखिए कहानियों पे कहानियां यहाँ पे आती जाएंगी क्योंकि स्टोरी की तरह आपने इसको पढ़ना है रूल बेस्ड अप्रोच है कुछ भी नहीं है ठीक है आपने इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आपके सामने कोई ड्रामा लगा हुआ है या फिर कहानी चल रही है समझ से जाना चाहिए ठीक है कुछ भी भूलना नहीं है ओके अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर्सनल अलाउंस कभी कभी आपकी रिड्यूस भी हो जाती है रिड्यूस कि आपका जो रिलीफ है वो रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है इसको हम कहते हैं पर्सनल अलाउंस रिस्ट्रिक्शन

स कम होती जाएगी ये मतलब है मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपकी जितनी ई एन आई लेकिन शर्त यह है कि एक लाख से ज्यादा हुई अगर एक लाख के अंदर अंदर है फिर तो ट्वेल्व फाइव सेवेंटी आपको पूरी पूरी, पूरी पर्सनल अलाउंस मिलेगी लेकिन कहानी है कि अगर आपकी ई एन आई एडजस्टेड नेट इनकम एक लाख से जितनी ज्यादा होगी जितनी एक्सीड करेगी जितनी एक्सेस होगी और हर दो पाउंड के बदले हर दो पाउंड एक्सेस के बदले एक पाउंड आपकी जो पर्सनल अलाउंस है वो बारह पाउंडौ सत्तर से कम होती जाएगी

पेंशन क्या होती है ऑब्वियसली यूके के अंदर अगर मैं बताऊं हर एम्प्लॉयर जब भी आपकी सैलरी देता है आपसे आप पूछता है और आपके ही फायदे के लिए पूछता है समझे आप डी ए स्टूडेंट आप में से एक स्टूडेंट जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो क्या है एक यूके में एम्प्लॉई है ठीक है तो आपको आपका एम्प्लॉयर इतना अच्छा है कि वो ऑप्शन देगा कि यार आपने अपने बुढ़ापे की कदर करनी है आप कहेंगे यस यस करनी है मैंने ठीक है तो वो कहेगा क्यों ना आपकी कुछ इनकम है पेंशन फंड के अंदर डालता जाऊँ ठीक है आपने कहा क्यों नहीं कोई मसला नहीं तो थोड़ी थोड़ी इनकम आपकी कट होकर पेंशन फंड के अंदर जाती जाएगी ताकि अभी तो थोड़ी थोड़ी आप सेक्रीफाइस कर दें इसको बाद में जाके आपको फायदा हो बाद में जाके आपको फायदा हो अब लेट से आप सिक्सटी या सेवेंटी की एज क्रॉस करें फिर जाके आपको वो वह ऐसा पेंशन फंड से रिलीज़ करते जाएंगे तो इसी को हम पर्सन पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं जो आप अपनी मर्जी से करते हैं एम्प्लॉयर आपको कहता है करना है इंट्रोड्यूस आप कहेंगे यस मैंने करना है ठीक है तो इसलिए ये उसके अंदर दी जाती है सही है। तो ये जब दोनों चीजें आप माइनस कर देंगे आपकी क्या बन जाएगी एडजस्टेड नेट इनकम बन जाएगी ए e एन आई जिसको हम कहते हैं और अभी मैंने क्या है? कि हर एक लाख से ज्यादा दो एडिशनल एक्सेस आपकी ए e एन आई होगी एक लाख से ज्यादा ये शर्त है अब इसका क्या सा है e e करें, करें। आपकी जो टोटल नेट इनकम है एग्जाम्पल देता हूं

जो एच एम आर सी है जो टैक्स वाले इदारा है उसने क्या कहा है कि आप हंड्रेड परसेंट नहीं देंगे आप सिर्फ एटी परसेंट पे करेंगे लेट्स से अगर आप पाँच हज़ार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आप पाँच हज़ार जो है पेंशन के अंदर डाल रहे हैं तो और से सुनिएगा पांच हजार अगर आप पेंशन में डाल रहे हैं तो इस पाँच हजार में से जो एट्टी परसेंट है वो आप दे दें सही है और जो बाकी बीस परसेंट है वो हम लोग देंगे अपने खाते में देंगे क्योंकि हम लोग अपने सिटीजन की कदर करते हैं ये किसने कहा है यूके गवर्नमेंट ने कहा है इन अदर वर्ड्स एच एम आर सी ने कहा है सही तो देखें क्या कहना चाह रहे हैं पांच हजार का ट्वेंटी परसेंट क्या होता है एक हजार तो वो कह रहे हैं एक हजार हम देंगे ये हमारी तरफ से समझें ट्रीट समझें और बाकी चार हजार आप दे दें ठीक है तो जब भी सवाल में लिखा हो ना कि उसने पे इतनी की है यह भी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में घबराना नहीं है ठीक है ग्रॉस का मतलब है कि उसको हंड्रेड पे ला ठीक है उसको हंड्रेड परसेंट पे ला के एटी परसेंट वाले नहीं लेनी क्योंकि तो जो इंसान है जो इंडिविजुअल है मैं हूँ एम्प्लॉयर हूँ एम्प्लॉई हूँ वो मैं एटी परसेंट ही पे कर रहा हूँ ठीक है इसीलिए ग्रॉस अप करना जरूरी है इसमें भी ऐसे ही है ये डोनेशन है।, है, है इसमें भी एटी ट्वेंटी वाला रूल अप्लाई होता है, तो है। मतलब इसका। इसका। समझेंगे फर्ज करें आपने जो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन किया है वो ग्रॉस कितने की है ग्रॉस लिखनी है एक चीज की यहाँ पे ख्याल रखना है नेट नहीं लिखनी ग्रॉस आपने कितने की है फर्ज करें छह हजार और लट से आपने गिफ्टेड डोनेशन भी दिए ठीक है डोनेशन भी आपने दिए हैं ग्रॉस डोनेशन का भी इतने देखें इतने अच्छे हैं वो टैक्स अथॉरिटी वाले वो कहते हैं कि एट्टी परसेंट आप लें ट्वेंटी परसेंट हम लेंगे ये भी कॉन्सेप्ट अभी नीचे आएगा उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो डोनेशन मैंने ग्रॉस कितनी दी लट से चार हजार कर लेते हैं फोर थाउजेंड सही तो देखें जब ये दो चीज़ें माइनस करेंगे मेरे ए एन आई आ जाएगी मेरी एडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगी यस 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 एग्जैक्टली कितनी आएगी एक लाख दस हज़ार जैसे ए एन आई एक दस से ज्यादा हो ना जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जब ए एन आई आपकी एक लाख से ज्यादा हो तो आपने समझ आना है आपकी पर्सनल अलाउंस क्या होगी रिस्ट्रिक्ट होगी आपको बारह पाँच सौ सत्तर नहीं कम होंगे आपके बारह पांच सौ सत्तर से थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है आपके जो अलाउंस है ना वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कितनी रिस्ट्रिक्ट होगी देखते हैं ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करें हर एक पाउंड आपकी रिड्यूस होगी पर्सनल अलाउंस किसके बदले जितनी जितनी ए एन आई आपकी टू टू पाउंड बढ़ेगी तो कितनी एक्सेस है आपकी ए एन आई आपकी कितनी है एक दस और ये क्या रूल था वन लाख का ना कि पर्सनल तो तो मतलब अलाउंस मतलब नहीं मिलेगी ये अवेलेबल नहीं होगी इसमें से पांच हजार लेस करने पड़ेंगे ये स्ट्रिक्ट हो गई है रिस्ट्रिक्ट हो गई है इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल अलाउंस ठीक है सात हजार पाँच सौ सत्तर सात हजार पाँच सौ सत्तर अब आपको जो पर्सनल लोन मिलेगी ना 7570 मिलेगी कहने का मेरा मकसद ये जब हम ये सारी बनाएंगे तो ये पी ए के अंदर आप बारह पांच सौ सत्तर लिखेंगे आप ये, 7570 करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इसको क्या कहते हैं students, PA, so, यहां तक आप है। सही अच्छा अब ये देखेंगे कुछ डिविडेंड इनकम के टैक्स रिटर्न फिलहाल छोड़ दें इनको अभी नहीं देख रहा इन पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा Uh, हो सकता है हम आज वाले लेक्चर में देखें हो सकता है बाद में देखें लेकिन डिविडेंट इनकम को हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी हमारा मेन फोकस क्या है सिर्फ एन एस आई एंड एस आई जो डिविडेंट इनकम हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्योंकि एक अलग एरिया जिससे रिलेट नहीं करता अच्छा एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतरीन होगा एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे तो जब तक बुकिश नॉलेज रहेगी आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठने वाली सही है ये देखें जी एग्जाम्पल वन ठीक है एग्जाम्पल वन में क्या कह रहे हैं इथन रिसीव्ड ट्रेडिंग इनकम ट्रेडिंग इनकम कौन सी होती है बिजनेस जो कर का रहे कारोबार कर का रहे हैं उसको एक लाख दस हजार की ट्रेडिंग इनकम मिली है जैसे ही आप कोई भी इनकम बढ़ते हैं ना कोई भी इनकम अगर आप टोटल उसको करें आपके माइंड की एबिलिटी है कि हर चीज को टोटल करके देखते हैं राइट तो जब भी आप टोटल करें ना ये पॉइंट्स आपको इस तरह याद रहेंगे जब भी आप टोटल करें और आपको लगे कि चीज एक लाख से ऊपर जा रही है तो आप समझ जाएं कि आपकी पर्सनल अलाउंस अब रिस्ट्रिक्ट होगी थोड़ी सी सही है यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है मेरे माइंड में एकदम सिग्नल आ गए देखिए सिग्नल देना माइंड का काम होता है आपने जिस चीजें याद रखी है उनको अप्लाई करना है 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 ठीक ठीक इन द टैक्स ईयर ही मेड अ डोनेशन ऑफ ग्रॉस देखें ग्रॉस लिखा हुआ है नेट नहीं लिखा हुआ अगर नेट लिखा होता ना देखें फर्ज करें फर्ज करें यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट लिखा होता तब तो आप क्या करते तब तो आप क्या करते ये देखें तब तो आप ये करते फोर थाउजेंड जो है ठीक है अगर वो नेट लिखा होता नेट का मतलब है कि आपकी तरफ से चार हजार गया है बाकी बीस परसेंट किसने दिए एच एम आरसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो सिंपल है तो ये चार हजार एटी को और मल्टीप्लाइज को कर दे हंड्रेड से तो जो हंड्रेड परसेंट वाली ग्रॉस अमाउंट है वही हमें चाहिए वो कितनी आएगी पांच हजार आएगी इसका मतलब जो ग्रॉस है वो पांच हजार लेकिन यहाँ पे ये यह नहीं करना था यहाँ पे ये यह नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे ग्रॉस ही दिया हुआ है अब देखें पे क्या थी? देखें रिक्वायरमेंट क्या है वट टैक्सेबल इनकम फॉर दर ट्वेंटी थ्री हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी कितनी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगे, लगेगा हमने टैक्स नहीं निकालना है। हमने वो इनकम निकालनी है जिसपे टैक्स लागू होगा सही अब देखें, वो किस तरह निकलेगी वेरी सिंपल सबसे पहले आपने लिखा ट्रेडिंग इनकम अब देखिए जो ऊपर मैंने फॉर्मेट आपको याद है डिस्कस किया था लंबा चौड़ा फॉर्मेट अब आप ऑब्वियसली दो मार्क का अगर आपके पास एमसी है तो आप वो तो नहीं यूज कर सकते ना तो बेस्ट फॉर्मेट है आप ये यूज करें वो भी हम यूज करेंगे फुल फ्लैश तो नहीं करेंगे लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अभी तो सिर्फ पहला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स ये तो सिर्फ पहली एग्जाम्पल है जैसे आगे एग्जाम्पल तो आपको वो भी यूज करना मैं सिखा दूंगा डोंट वरी एक लाख दस हजार ही आगे राइट कितनी है एक लाख दस हजार ठीक है और इसमें से हमने लेस क्या करना है पर्सनल uh, लोन्स जो कि हर किसी को अवेलेबल होती है हर फर्द को अवेलेबल होती है अब नॉर्मली ये कितनी होती है बारह पाँच सौ सत्तर लेकिन जैसे ही आपने ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन और जैसे ही आपको पता चला कि आपकी जो ए एन आई है आप देखें ये आपकी जो ए एन आई है वो ए, ए, एक, एक लाख से ऊपर बन रही है ठीक है अब आपकी नेट इनकम सिर्फ यही है ना तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा आपको पर्सनल अलाउंस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपकी पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ठीक है थोड़ी सी कम हो जाएगी किस तरह रिस्ट्रिक्ट होगी देखिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है नेट इनकम नेट इनकम का क्या मतलब है सब इनकम मिला के अब इस क्वेश्चन में तो एक ही इनकम है इस क्वेश्चन में तो एक ही इनकम है कितनी एक लाख दस हजार सही इसमें से लेस आप क्या करें लेस आप क्या करें ये वाली ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन ग्रॉस करनी है हमेशा अगर नेट लिखी हुई तो ये वाला काम करना पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने किया था इसको एट्टी से हंड्रेड पे लेके जाना पड़ेगा नेट का मतलब होता है कि सिर्फ एट्टी है ठीक है लेकिन यहाँ पे पूरी थी तो गिफ्टेड गिफ्टेड लिख के कितना है चार हजार तो ये ए एन आई आपकी एन आगी कितनी आएगी एक लाख छियर स्टूडेंट्स आपकी ए एन आई कितनी आ गई है एक लाख है इसका क्या मतलब है कि आपकी बा... जो पर्सनल अलाउंस है, है, है वो बारह पांच सौ सत्तर नहीं होगी आपकी पर्सनल अलाउंस है वो रिस्ट्रिक्ट होगी कितने से अब देखते हैं इसका फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है देखें अभी हमने पढ़े है वन बाई टू सही मल्टीप्लाइड बाई जो ए एन आई है वो एक लाख से कितनी ज्यादा है छह हजार ज्यादा है ये फॉर्मूला है

तो डोनेशन से एक नुकसान हो गया है कि आपको वैसे फायदे भी बहुत हैं डोनेशन के अभी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक ही चीज पे आके खत्म हो रही हैं फायदे भी बहुत हैं लेकिन इसने आपको क्या किया ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और नंबर टू गिफ्टेड डोनेशन ये दोनों चीजें आपकी ए एन आई में रिड्यूस होंगी लेस होंगी और देर फोर ये आपकी पर्सनल अलाउंस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं ठीक है तो जब आप ये लिख देंगे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब कि इस इनकम पे इतनी आमदनी पे आपके टैक्स रेट अप्लाई होंगे वो नहीं करने वो नहीं करने सिर्फ हमने इनकम ढूंढनी है कितनी आएगी जी स्टूडेंट्स वन जीरो जीरो फोर थ्री जीरो इसमें माइनस किया क्योंकि ये टैक्स फ्री लिमिट है आपकी इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जो वन हंड्रेड फोर थर्टी है एक लाख चार सौ तीस रुपए है यस इस, इस पे आपकी जो टैक्स है वो लगेगा सही ये एग्जांपल नंबर वन है तो देखें एक क्वेश्चन में एक चीज भी आ सकती है मल्टीपल चीजें भी आ सकती हैं आपने इसको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है ठीक है देखें एग्जाम्पल टू देखें ठीक है सबर तहमुल से देखना है सबर करना है ठीक है सबर का फल बहुत मीठा होता है अब देखें एग्जाम्पल नंबर टू क्या है यहाँ पे क्या निकालना है डी स्टूडेंट्स थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज होगी कह रहे हैं लाइब्रेट निकालो यहाँ पे कह रहे लाइब्रेटी निकालो मतलब ट्वेंटी फोर्टी और फोर्टी फाइव वाले रेट्स यूज करके परसेंटेज अप्लाई करके लाइब्रेटी निकालो कितना पैसा गवर्नमेंट को जाना है यहाँ पे पैसा नहीं निकालना था सिर्फ वो निकालना था जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ इनकम थी जिस इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा ये होती है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है कि इनकम के ऊपर ही जब हम उसको में डिवाइड करते हैं 20%, 40%, 45 लगाते हैं लगाते उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी सिंपल क्वेश्चन है ताला ताला हैज अ टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम ऑफ फोर थ्री सेवन सिक्स फाइव और उसकी इंप्लायमेंट इनकम भी कितनी है देखिये अपना बिजनेस भी करे अपना कारोबार भी करे अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी करे नौकरी भी करे नौकरी नौकरी से उसको कितने मिले सात हजार और अपने काम से उसने कितने कमाए फोर्टी थ्री सेवन सिक्सटी फाइव ठीक है इसीलिए कहते हैं अपना काम करना चाहिए ठीक है तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग इनकम को लिखूं ट्रेडिंग इनकम कितनी है फोर थ्री सेवन सिक्स फाइव ठीक है और एक और चीज़ क्या है एम्प्लॉयमेंट इनकम सारी इनकम्स को मैं प्लस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेट इनकम चाहिए नेट इनकम क्या क्या मतलब है था? कुल सब मिला के टोटल इनकम ठीक है सेवन थाउजेंड ठीक है शी हैज नो सेविंग्स उसकी कोई सेविंग इनकम नहीं है उसको कहीं सूद वूद नहीं मिला बैंक से और उसको कोई डिविडेंड्स भी नहीं मिले किसी कंपनी से उसने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की होगी ठीक है कोई तो देखें क्या यहाँ होगी जवाब है नहीं नहीं ऑब्वियसली नहीं होगी भाई क्यों होगी जब वो एक लाख से ज्यादा रूल जाता है जब ए एन आई एक लाख से ज्यादा जाती है यहाँ तो पचास हजार भी नहीं हो रही मुश्किल से तो यहाँ पे पूरी बारह पाँच सौ सत्तर पूरी पूरी रहेगी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी ठीक है तो फोर थ्री सेवन सिक्स फाइव प्लस हम करेंगे कितना आते पचास हजार सेवन सिक्सटी फाइव फाइव जीरो क्वेश्चन में हमने यहीं तक काम किया था अब इस पर हमने रेट्स भी अप्लाई करने हैं तो डीएस बेसिक बैंड में कितना रेट होता है बेसिक बैंड में पहला सैंतीस हजार तो 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 करनी वो तो किया नहीं

ऊपर वाले बैंड पे बेसिक हो गया अब हायर पे जाना पड़ेगा हायर बैंड मुझे बताएं क्या हम करेंगे कि जो इनकम पीछे बची होगी ना थर्टी फाइव थी ना टोटल और सात सौ हम यूज कर चुके हैं इस पर हम टैक्स लगा चुके हैं अब इस परसेंट तो थर्टी एट वन नाइन कितना ज्यादा है सेंतीस सात सौ का फोर फाइव ज्यादा ठीक है. है इस पे हम फोर्टी परसेंट लगाएंगे डी तो स्टूडेंट्स टोटल हमारी होगी सेवन सेवन थ्री एट ये हमारी क्या डी स्टूडेंट टोटल टैक्स लाइबिलिटी सही है ठीक है ये दो हमने एग्जाम्पल्स कर ली साथ साथ एग्जाम्पल्स आती रहेंगे तो आपने हौसला रखना है ठीक है यहां तक अच्छा अब फर्दर देखते हैं आगे क्या देखें एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट गौर से सुनने ट्रांसफर ऑफ पर्सनल अलाउंस अभी तक तो हमने सिर्फ पर्सनल अलाउंस पढ़ी है कि यार हर किसी को बारह की टैक्स फ्री अलाउंस अवेलेबल है किसी के ऊपर इस इनकम तक टैक्स नहीं लगेगा हाँ इससे ऊपर जितना होगा उस पर टैक्स लगेगा लेकिन ये ट्रांसफर क्या है ट्रांसफर डे स्टूडेंट इसको हम मैरिज अलाउंस भी कहते हैं कभी कभी ठीक है मैरिज अलाउंस नॉर्मली मैरिड लोगों के लिए होती है ठीक है तो देखें क्या लिखा हुआ से अगर दो लोग हैं दो स्पाउस हैं ठीक है हस्बैंड एंड वाइफ है एक बंदे की फुल पर्सनल अलाउंस यूज हो चुकी है लेकिन जो दूसरा लेट से वाइफ है उसकी पर्सनल अलाउंस सारी नहीं यूज हुई क्योंकि लट से वो घर पर ही रहती है उसकी ज्यादा इनकम है ही नहीं तो अगर उसकी ज्यादा इनकम है ही नहीं तो हो सकता है उसकी लट से पांच हजार इनकम है ठीक है तो उसके पास अलाउंसल थी ट्वेल्वेंड फाइव सेवेंटी उसने सिर्फ पांच हजार यूज किया है मतलब पांच हज़ार तो वैसे भी टैक्स नहीं लगना है ना क्योंकि ट्वेल्व फाइव सेवेंटी के अंदर अंदर आ रही है तो इसका क्या मतलब डी स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कितनी रहती है कितनी रहती है सेवेंटी फाइव सेवेंटी ये अलाउंस रहती है अभी ज़ाया तो नहीं कर सकती ना ज़ाया तो नहीं कर सकती है. हाँ अपने हस्बैंड को ही दे सकती है क्योंकि उसकी हो सकता है बहुत सारी इनकम हो बहुत सारे काम करता हो उसकी प्रॉपर्टीज भी हो उसकी लेट्स से ट्रेडिंग uh, इनकम भी हो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है ठीक है ठीक उसकी एम्प्लॉयमेंट uh, इनकम भी है काम भी करते हैं तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं दोनों के बीच में देखें आगे क्या लिखा हुआ है ये कंडीशन है इसके पीछे ये सिर्फ तब अलाउड है अगर दोनों लोग बेसिक टैक्स पेयर है मतलब ट्वेंटी परसेंट वाले हैं या फिर नहीं है या फिर उनकी बारह पांच सौ तो सत्तर के अंदर अंदर आ रही है या फिर सिर्फ बेसिक है हायर वालों को और एडिशनल वालों को ये सहूलत दस्तिया नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है सात हजार पांच सौ सत्तर अवेलेबल है लेकिन ये बेचारा कितना ट्रांसफर कर पाएगा अपने पार्टनर को सिर्फ बारह सो साठ ये एच एम आर सी ने सेट किया तो मैक्सिमम सिर्फ इतनी ही आपको ट्रांसफर हो सकेगी इससे ज्यादा नहीं ठीक है अच्छा अब देखें सही आउट ऑफ द ट्वेल्व सिक्सटी मतलब इसमें से बारह सौ साठ में से ओनली ट्वेंटी परसेंट रिलीफ ऑन द टोटल इनकम कैन बी प्रोवाइडेड इसका मतलब है कि 1260 में से भी आपको ट्वेंटी परसेंट ही रिलीफ मिलेगा क्यों क्योंकि ये जो ट्रांसफर की सहूलत दस्तियाब है किसको अवेलेबल है सिर्फ बेसिक वालों को और नॉन टैक्स पेयर्स को हायर वालों को तो अवेलेबल नहीं है एडिशनल वालों को तो अवेलेबल नहीं है तो फोर्टी और फोर्टी फाइव परसेंट पे तो बात जाएगी नहीं तो देखें सिर्फ ट्वेंटी तक ही बात जाएगी तो एक ही बात है आप टोटल तो इनकम में से बारह सौ साठ लेस कर दें या ट्वेल्व सिक्सटी का ट्वेंटी परसेंट लेस कर दें एक ही बात है राइट ठीक है समझने की कोशिश करें सही दिस डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ द पर्सनल लाउन्स ये इंक्रीज नहीं करता पर्सनल लाउन ठीक है ऑफ द ट्रांसफरी मतलब ये 75, जिसको जा रहा है उसमें से सिर्फ बारह सो साठ ही जा, जा सकेगा ना जैसे अभी हमने पढ़ा इससे ज्यादा तो नहीं जा सकेगा ठीक है तो ये इसकी पर्सनल लाउन इंक्रीज नहीं करेगा हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसने ट्वेल्व फाइव सेवेंटी यूज किए हैं उसकी बारह सौ साठ से बढ़ जाएगी नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा इलेक्शन टू ऑप्ट इन टू दिस अगर आपने ऑप्टन इससे करना है एच एम आर सी खुद नहीं पता चल जाएगा ठीक है उनको खुद से नहीं पता चलेगा आपको उनको बताना पड़ेगा यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन टू ऑप्टन टू दिस शुड बी मेड विद इन फोर ईयर्स ऑफ द एंड ऑफ टैक्स ईयर ये जो कुछ डेट्स हैं इनको फिलहाल छोड़ दें कंसिडर कर लें लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दें हम आगे देखेंगे डेट्स का हमने अलग से सारा टॉपिक करना है सही है ओके ये है ट्रांसफर ऑफ पर्सनल लॉन्स जितनी मर्जी अवेलेबल हो पूरी की पूरी भी बारह हो सौ सत्तर ने एक रुपया भी नहीं कमाया जाएगा डस्टबिन तो में चला जाएगा अब ये देखते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट रिलीफ ठीक है और फिर हम एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं और फिर एग्जाम्पल फोर भी है फिर हम अगली चीज देर में आएंगे अब देखें डी स्टूडेंट्स आपको याद है ऊपर हमने कॉम्पिटिशन में एक रिलीफ पड़ा था जिसका नाम था इंटरेस्ट रिलीफ नहीं भी आ तो कोई मसला नहीं है ये एक स्पेशल तरह का इंटरेस्ट होता है जो कि सिर्फ इन चार कामों के लिए लोन जो हम लेते हैं सिर्फ उनके लिए हो सकता है इसके अलावा नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे मुंह उठा के लोन रो लिया उस पर आपको क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का रिलीफ नहीं मिलेगा देखें नाम इसका क्या है रिलीफ और देखें शुरू में क्या लफ्ज यूज हो रहा है क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग का मतलब अगर ये क्वालिफाई करेगा तभी आपको रिलीफ मिलेगा वरना आपको रिलीफ नहीं मिल सकता

एक एम्प्लॉयी से एक कंपनी कहती है कि यार हम ग्रोइंग कंपनी है हमें पता है आप हमारे साथ बहुत ग्रो कर सकते हो आपको सब कुछ हम देंगे सैलरी वगैरह देंगे लेकिन भाई आपको लैपटॉप अपना लाना पड़ेगा इस तरह करती है बहुत कंपनी करती हैं तो उस बिचारे एम्प्लॉय को उस बेचारे बंदे को क्या करना पड़ेगा मार्केट जाके लैपटॉप अपने पैसों से खर्चना पड़ेगा लेना पड़ेगा फर्ज करें अगर उसके पास पैसा नहीं है उसके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक के पास जाएगा मजबूर होकर उनसे कहेगा मुझे लोन दे दे क्योंकि मैंने लैपटॉप लेना है मेरा एम्प्लॉयर मुझे लैपटॉप नहीं दे रहा ठीक कुछ कंट्रीज में इस तरह होता है तो उसके लिए भी जो आप सूद पे करेंगे उस इंटरेस्ट पे वो भी आपको क्या करेगा आपकी टैक्स एबिलिटी डाउन करेगा नीचे करेगा आपका इंटरेस्ट ओवरऑल माइनस हो जाएगा ठीक है अच्छा चौथी चीज़ परचेज एंड इंटरेस्ट इन क्लोज कंपनी तो ये देखें चार इसके रूल्स हैं क्लोज कंपनी बेसिकली होती है जिसमें मतलब कि आप

क्योंकि अगर ये सबके लिए हुआ तो इस तरह से तो सभी इतना ज्यादा खर्चा करके अपनी टैक्स एटी को कम करेंगे कि ये नहीं जी मैंने इस पर लोन लिया था मेरा इंटरेस्ट इसमें से कम कर दें इन्हीं चार कामों के लिए अवेलेबल है ठीक है तो देखें क्या लिखा हुआ इसका ट्रीटमेंट क्या है दिस इज अलाउड फॉर एज एन अलाउेबल एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंस वो चीज होती है जो कि टैक्स वाले मानते हैं ठीक है देखें ये टैक्स की दुनिया है ये अकाउंटेंसी से हम निकल आए फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम निकल आए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ एफ तक थी अभी एफ सेवन में आएगी नेक्स्ट एग्जाम में ठीक है तो ये टैक्स वालों की नज़र में कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं वो अलग होते हैं ठीक है जैसे कि डेप्रिसिएशन एडिट से वो टैक्स वाले नहीं मानते इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैपिटल अलाउंसेस ठीक है तो ये चीज एज अलाउेबल एक्सपेंस आप क्या करेंगे कॉम्पिटिशन में जो ऊपर हमने कॉम्पिटिशन बनाई थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखें यहाँ पे इसने लेस की होगी सब नेट इनकम सारी इनकम्स लेके ये देखें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं ये देखें ये माइनस हो रहा है ठीक है तो यही काम आपने करना है अब जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपने ऊपर वाले फॉर्मेट बनाए रहे हैं लेकिन आपने समझना है भाई कि हो गया रहे इसको हम कहा से माइनस करें चले एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ समझ आएगा इनशाला ठीक है एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ इनशाला समझ आएगा एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा सही चले तीन अफराध हैं तीन अफराध हैं नंबर वन अब्दुल्ला साहब हैं नंबर टू एलिस हैं नंबर थ्री आया है तीन अफराध हैं इनकम हमने क्या निकाली है इनकम टैक्स लाइबिलिटीज निकाली है ठीक है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सवाल है ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट हो रही है और हो सकता है ये इंटरेस्ट वाला एलिमेंट भी टेस्ट हो रहा है देखते हैं ठीक है हो सकता है इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है आ, उसे फर्क नहीं पड़ता हमने एग्जाम्पल करनी है जो ऊपर की सारी नॉलेज हमारी टेस्ट कर रहे हैं चले सबसे पहले मैं अब्दुल्ला साहब की यहाँ पे क्या निकालता हूँ सबसे पहले मैं अब्दुल्ला साहब की जो लाइबिलिटी निकालता हूँ ठीक है अब देखिए अब अब्दुल्ला का क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला हैज इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना वो काम कर रहा है उसको सिक्सटी थाउजेंड थ्री थ्री सिक्स इससे मिले ठीक है लिख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कितना कमा रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना कमा रहे सिक्सटीन थाउजेंड थ्री थ्री सिक्स ठीक है और क्या कमा रहे जी नौकरी भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कमा रहे हैं पच्चीस सौ की पच्चीस सौ की ठीक है तो देखें एम्प्लॉयमेंट इनकम मैंने किया कितना कमा रहे पच्चीस सौ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बस बस ठीक है इसको टोटल करेंगे हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी नेट इनकम क्या, क्या मतलब है कुल इनकम सब कुछ मिला के सही कितनी आएगी अठारह थाउजेंड एट थर्टी अब क्या इसको पर्सनल लॉन्स मिलेगी यस yes, मिलेगी क्या रिस्ट्रिक्ट हो रही है ये नहीं हो रही पर्सनल लॉन्स रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही ठीक है क्योंकि जब भी एक लाख से फिगर ऊपर जाएगा तब तो आपने समझना है कि भाई वो रिस्ट्रिक्ट होगी पर्सनल लॉन्स इसको पूरी पूरी मिल जाएगी कितनी बारह हजार पाँच सौ सत्तर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेवेंटी

क्या ऐसे ही है ठीक है कितना आता है फिफ्टी एट थाउजेंडी फिफ्टी एट थाउजेंड्री थर्टी आता है सही है ओके okay. क्या इसको पर्सनल ये क्या चीज है ये इसकी है नेट इनकम इसको पर्सनल लॉन्स मिलेगी जवाब है यस yes, यस yes, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी क्या रिस्ट्रिक्ट हो रही है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि वो जो एक लाख से ऊपर होती है अगर ए एन आई आपकी एक लाख से ऊपर हो

ठीक है तो इसकी तो फोर्टी फाइव सेवन सिक्सटी फाइव है तो ये तो हायर में जा रही होगी राइट ऐसी है तो बेसिक में पहले सैंतीस सात सौ जो है ना उस पर कितना लगता है ट्वेंटी परसेंट ये फिक्स्ड है भाई ये फिक्स्ड है सही ये फिक्स्ड है आ, कितना लग रहा है सेवेंटी फाइव फोर्टी सेवेंटी फाइव फोर्टी अच्छा अब जो एडिशनल एडिशनल कह रहा हूँ सॉरी हायर बैंड जो है हायर बैंड जो फोर्टी रहेगा वो किस तरह लगेगा फोर्टी फाइव है ना इसके थीखे? और इस सैंतीस सात सौ से ऊपर जा रही है ठीक अब इसको किस पे टैक्स करेंगे सैतीस सात सो इन टू पॉइंट फोर थ्री डबल टू सिक्स तीन हजार दो सौ छब्बीस सही है तो जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा टेन थाउजेंड ये डी स्टूडेंट की क्या आ गई ये आ गया टैक्स राइबिलिटी जो पैसे उसने एच एम आर सी को पे करना है गवर्नमेंट को सही ठीक है अच्छा एल एस होगी और कौन रहता है कोई रहता है आया रहती है आया आया रहती है यस आया रहती है ठीक है आया का देख ले कर लेते हैं सही अच्छा आया को एक ही इनकम मिली है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है कोई मसला नहीं उसने सारा अपना ही काम किया और बड़ा अच्छा उसने इनकम कमाई है अपने काम से नौकरी शोक नहीं करा वो ठीक टू थ्री एट सेवन एट जीरो पाउंड का साइन लगा देते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये इसकी नेट इनकम है ये इसकी नेट इनकम है और कुछ है नहीं है एम्प्लॉयमेंट है नहीं है प्रॉपर्टी है नहीं है ठीक है और कुछ है नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है ठीक है तो इसका क्या मतलब है इसमें से हम जब पर्सनल लेस करेंगे अब मुझे बारह पांच सौ सत्तर होगी होगी तो हो लेकिन मुझे लगता है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास एन आई इसमें यही है ना ये नोट करें एन आई इसमें यही है क्योंकि ना कोई डोनेशन है कुछ भी नहीं है एन आई यही है तो वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय एक लाख से कितनी ज्यादा लाख तो 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 ये ये तो बहुत ज़्यादा बन रही है ये तो को बिल्कुल ना मुकम्मल कर बेचारी खत्म कर दिया टू करेंगे, तो 69, बन है। तो तो थी, इनकम बहुत ज्यादा लॉन्स नहीं मिलेगी सॉरी टू से नहीं मिलेगी इसकी टोटल इनकम कितनी होगी टू थ्री यही बनेगी सही है, अब देखें इस टैक्स किस तरह लेगा ये बहुत मजे की चीज है पहले तो बेसिक बैंड लगेगा बेसिक किस तरह सैंतीस कितना, आते? सही? अच्छा, उसके हायर, हायर कितना लेगा? अब देखें हायर डेढ़ लाख तक था ना डेढ़ लाख से लेकर डेढ़ लाख तक ठीक तो वन फिफ्टी थाउजेंड क्या करेंगे हम माइनस करेंगे थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड ऑलरेडी लगा चुके हैं और इसको हम फोर्टी परसेंट पे लगाएंगे ये तो इससे भी ज्यादा बन रही है पे 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 जा रहे पे जा रहे रहे हैं हैं भाई ये किस है? तो डेढ़ लाख माइनस थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड ठीक है और इसको हम फोर्टी लगाएंगे फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन ट्वेंटी ठीक है अब देखिए एडिशनल है भाई एडिशनल है डेढ़ लाख तक उसकी इनकम यूज हो चुकी है डेढ़ इनकम यूज हो चुकी है ये मतलब हम निकाल दें अगर एटी एट था कितना था एटी एट थाउजेंड से आखिरी वाला उसका वो है ठीक है अब ये किस पे लगेगा ये लगेगा डे स्टूडेंट फोर्टी फाइव परसेंट पे एटी एट सेवन एटी इन टू जीरो पॉइंट एट फोर फाइव थर्टी नाइन नाइन फिफ्टी वन ठीक है तो देखें भाई बहुत ज्यादा टैक्स बन रहा है इसका बहुत 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 अमीर शख्स है ये फोर्टी फोर नाइन ट्वेंटी प्लस कर दें और थर्टी नाइन नाइन फिफ्टी वन ये प्लस कर दें देखे बानवे हजार पाउंड वो कितना पे करे टैक्स में पे करेगा ये क्या है ये है टैक्स लाइबिलिटी किसकी आया की जो कि सबसे ज्यादा रिच थे यहाँ पे ठीक है तो तीनों की हम लोगों ने टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है देखें डियर स्टूडेंट्स मैंने वही किया है मैंने ऊपर वाले ही रूल्स इस्तेमाल किए हैं कुछ भी नया नहीं किया मैंने और मैंने पर्सनल लोन्स भी यहाँ पे ये रूल फॉलो किया है इसको आया को कोई पर्सनल अलाउंस नहीं मिल रही क्योंकि बहुत ज्यादा एक लाख से भी बहुत ज्यादा है रिस्ट्रिक्शन भी इसकी नहीं हो रही बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट गया इसको बारह पांच से सत्तर में से कुछ भी नहीं मिल रहा है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इसकी टोटल लाइब्रेटी क्या बनी है नाइन टू थाउजेंड फोर डबल वन तो डी स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करें आ, बेसिक रेट बैंड को हाईर रेट को एडिशन रेट को जब आपको पता होगा इन्हीं बैंड पे हम लोग लगा रहे हैं ट्वेंटी फोर्टी और फोर्टी तब जाके आपको चीज इनशाला क्लियर होगी ठीक है अब हम इनशाला आगे मूव करेंगे